बोलम, आज से तमिलनाडु में दो बॉक्सिंग टीम नहीं, एक बॉक्सिंग टीम होगी, हमारी तमिल टीम। हमें हराने आए उस घोरे को तुम्हें धूल चटानी है, और हमें लड़वाने वाले उस टीवी चैनल को भी। आओ। क्या बात है बोलम, प्रेस मीट में तो तूने फाड़ दिया यार, पूरे अखबार में तेरी न्यूज छपी है। पर ये सब देखने के लिए बेचारे तेरे मास्टर जिंदा ही नहीं बचे। चल छोड़, ये अग्रीमेंट पे साइन कर दे। सुन चमचे, तू मालिक नहीं, अपने मालिक को आने को बोल। अभी तू पागल हो गया? दीपक सर इतने बड़े चैनल के मालिक है, और इतनी घटिया सी बस्ती में तू बुलाना चाहता है उन्हें? ये घर है हमारा, हमसे पैसे तो कमा सकता है लेकिन इस बस्ती में नहीं आ सकता। अगर वो ये मैच चाहता है तो उसे बॉक्सिंग यूनियन भेज। जा, चलेगा? हाथ के हथौड़ा हिला दिया मेरा जबड़ा। आप शुरू करो। सर अभी तक तो ये चैनल फ्री था, लेकिन आपने इसे पे चैनल कर दिया, लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? हमारा चैनल एक नशा है, उसके बिना आप लोग नहीं रह सकते। तो अब जाओ और उनसे पैसे लेके आओ। सर जरा ये देखिए, ऑडिटोरियम में पार्किंग एरिया की बोली लग चुकी है। एक्सक्यूज मी सर, टिकट्स प्रिंट हो चुकी हैं। अब इन स्पेंसर, स्काईवॉक, लैंडमार्क जैसे बड़े मॉल्स में बेचो। ओके सर। कार पार्किंग और टू व्हीलर पार्किंग दोनों के लिए अलग अलग बोली लगी है। एक्स्ट्रा गाड़ियों के लिए हमने एक ग्राउंड। यस सर, आप साइन कर दीजिए। बोलम से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिए। क्या हुआ सर? बोलम कह रहा है कि अगर आप ही अग्रीमेंट चाहते हैं तो आपको बस्ती में जाना होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सेंटिमेंटल आदमी है, मंदिर में बैठ के साइन। बॉक्सिंग यूनियन के ऑफिस में साइन करेगा वो। मंदिर में साइन करो या बॉक्सिंग यूनियन में बैठ के साइन करो, काम पूजा ही तो होती है। वहां साइन करेंगे तो भी इतिहास रचेंगे। जी सर। चलो, वैसे बुलाया कब है? सर आप तो कभी भी जा सकते हैं, मतलब। नो, उनके बताए वक्त पे ही जाएंगे, वरना भोलम सर नाराज हो जाएंगे और तुम्हें बुरा लगेगा। चलो। सबको नमस्कार। सुनो। यस सर। अग्रीमेंट पढ़ के सुनो। यस सर। अगर भोलम सर को कोई करेक्शन चाहिए तो उसे अभी करो और एडवांस दे के साइन कराओ भोलम सर से अभी। ये अग्रीमेंट फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल में होने वाले बॉक्सिंग टूर्नामेंट का है। इस अग्रीमेंट का पहला पक्ष है एसपी दीपक शाह और दूसरा पक्ष मिस्टर भोलम, शिवशक्ति सेक्टर 6 मेन रोड। ओए, हमारा एड्रेस हमें ही बता रहा है, सिर्फ कंडीशन पढ़ के बता, पागल कहीं का। पहली कंडीशन, आने वाले 3 साल तक चैनल की तरफ से होने वाले सारे बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भोलम को हिस्सा लेना होगा। दूसरी कंडीशन, मैच में इंटरवल के दौरान जो ड्रिंक चैनल देगा वही उसे पीना होगा, बिना परमिशन के किसी भी कारण वो अपना भेष नहीं बदल सकता। अगर उसे शेविंग भी करनी है तो उसे NOC लेनी पड़ेगी। ए, इसे तुम एग्रीमेंट कहते हो? अकल नाम की चीज है या नहीं? कान खोल के सुन लो, मैं 3 साल के लिए गुलाम नहीं बनूंगा, मैं बस यही मैच लड़ूंगा, इसके अलावा कोई और नहीं। जो ड्रिंक तुम मुझे दोगे वो मैं नहीं पीऊंगा। हर राउंड के बीच में मुझे क्या पीना है ये बात मेरे गुरु ने अच्छी तरह से समझाई हुई है। सर उसके एक मैच लड़ने की कंडीशन हम मान सकते हैं, मगर रिंग में हमारे दिए हुए ड्रिंक नहीं पीने की कंडीशन हम किसी हालत में नहीं मानेंगे, क्योंकि पॉय कोल्ड ड्रिंक्स, पाला कलर ड्रिंक्स, इन जैसे बड़े ब्रांड्स ने इसके लिए 130 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किया है। सर ज्यादा ज्यादा बन रहा है, बाथरूम धोने का एसिड है वो, और तुम चाहते हो मैं उसे पीऊं? फिर तुम चाहोगे कि 7 दिन में गोरा बनाने वाली क्रीम को मैं टीवी पर बेचूं? मुझे पता है उससे कोई गोरा होने वाला नहीं है, तुम टीवी पर ऐड चलाकर उसे खूब बेचोगे। अगर क्रीम इतनी अच्छी होती ना तो नाइजीरिया के लोग उसे रगड़ रगड़ कर अमेरिकन बन चुके होते। फिर तुम मुझसे दारू और सिगरेट भी बिकवाओगे, है ना? ये नहीं करने वाला मैं। वैसे भूलो, बेवकूफी की बात मत करो। तो फिर समझदारी की बात तुम ही बता दो। मैं तुम्हें कोला पीने के लिए कह रहा हूँ और तुम पीना चाहते हो काढ़ा। करोड़ों के नुकसान की मेरे लिए कीमत है।
साथ ही इस मैच के लिए चैनल तुम्हें 20 लाख रुपए देगा। जान की बाजी लगानी है और कीमत 20 लाख। इतने पैसों में काम नहीं बनने वाला, 10 और ऐड करना होगा। बोल उसे। 2 करोड़ चाहिए? क्यों बोलम, अपनी औकात देखकर, सोच समझकर, ठंडे दिमाग से मांग रहे हो ना? दीपक जी, मैं अपनी औकात भी जानता हूँ और तेरी भी। अब एक बात बता, जॉर्ज के साथ फाइट करने के लिए तूने इंडिया में कितने बॉक्सर्स से पूछा और कितने बॉक्सर्स की बीवियों से पूछा? मुझे सब पता है, आर्मी बॉक्सिंग क्लब में भी धक्का खा चुका है तू, मगर सबने कहा कि उस पागल से कौन लड़ेगा और तू धक्के खाता रहा। अब तू मेरे सामने आकर यहाँ पर गिड़गिड़ा रहा, यही है ना तेरी औकात? यही है मेरी औकात? तो क्या तुम मौके का फायदा उठा के अपनी औकात से ज्यादा नहीं मांग रहे? 100 साल से चली आ रही है ये बॉक्सिंग परंपरा, रिंग के अंदर होने वाला है मौत का खेल। क्या बेटा अपने बाप की मौत का बदला ले पाएगा? क्या वो इस प्रतिष्ठा को बरकरार रख पाएगा? ये बॉक्सर इसका बेटा है, वो बॉक्सर उसका बेटा है, ये सारी पर्सनल बातें बताकर तुम ऐड से पैसा कमाते हो। फिर जो लोग मैच को देखने आते हैं, तुम उनसे भी पैसा कमाते हो। तुम्हारी भूख ही नहीं मिटती। अरुमुगम और मेरी लड़ाई तेरी वजह से हुई, मास्टर तेरी वजह से मरा। बेवकूफ बनाकर तूने हमारा इस्तेमाल किया, उसी की कीमत मांग रहा हूं मैं। अरुमुगम को जो मिलना चाहिए था वो मांग रहा हूं मैं। इसे मेरी जान की कीमत मत समझना, क्योंकि तेरी औकात नहीं जो मेरी जान की कीमत लगा सके। सर लगता है दिमाग खराब हो गया इसका, हर बात पे 1-0 बढ़ाया जा रहा है। अरे चलो यहाँ से, ये इनके पास की बात नहीं है। बोलम क्यों गुस्सा कर रहा है? अपनी टेंशन बढ़ा रहा है, हमारी टेंशन। तू तो अपना भोपू बांधी रख। वो बात कर रहा है ना? सर जो बोलते हैं करो, किसको दे रहे हम? अपनी बोलम सर को। अगली कंडीशन पढ़ो। इस मैच से होने वाले सारे प्रॉफिट्स, टेलीकास्ट राइट्स, रीटेलीकास्ट राइट्स, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, सेल फोन, वीडियो गेम्स, पोस्टर्स, स्टिकर्स, इन सब से होने वाला जितना भी प्रॉफिट है वो मिस्टर दीपक शाह को मिलेगा, फिर उनके वारिस के वारिस को, और बाद में उनके परिवार को मिलेगा। मैच से होने वाला प्रॉफिट पहले मिस्टर दीपक को मिलेगा, फिर उसके वारिस को, फिर उसके वारिस को, और फिर उसके वारिस के परिवार को मिलेगा। तुम लोगों ने हमें बिल्कुल अनपढ़ समझ रखा है क्या? क्या सोचा था भोलम और उसकी टीम को लॉलीपॉप देके उनका मुंह बंद कर दोगे? ये डील तुम्हारे और मेरे बीच नहीं हुई है, हमारी यूनियन और तुम्हारे चैनल के बीच में हुई है। इसलिए इस मैच की वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके सारे राइट्स हमारी यूनियन के पास होने चाहिए, और जो भी प्रॉफिट होगा वो यूनियन में शेयर होगा। ये मैच टीवी पर सिर्फ एक बार टेलीकास्ट होगा, उसके बाद ये चैनल की प्रॉपर्टी नहीं यूनियन की प्रॉपर्टी होगी। इतना ही नहीं, इसके रीटेलीकास्ट और हाईलाइट्स के राइट्स भी यूनियन के पास ही होने चाहिए। सर 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 सुनिए सर, सुनिए सर, वो तो पागल है, नुकसान तो हमारा होगा ना। हाँ सर, अगर मैच नहीं हुआ तो हमें बहुत नुकसान होगा। ए, जाने दे इसे, भाव क्यों दे रहा है? अगर मैच ये नहीं दिखाना चाहता तो और चैनल तैयार बैठे, कोई और कैसे टेलीकास्ट करेगा? ये टूर्नामेंट हमने शुरू किया था। तो एक काम कर, जॉर्ज से खुद ही लड़ ले। हेलो, जब मैं और जॉर्ज लड़ेंगे तभी तुम लोग इस टूर्नामेंट को दिखाकर पैसे कमा पाओगे, समझे? लड़ाई हमारी है, तुम्हारा चैनल बस दिखा रहा है उसे। अगर हमारी लड़ाई दिखाकर पैसे कमाना ही थे तो हमारे हिस्से के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम्हारे हिसाब से तो बाकी मर जाए, अपनी जेब भर जाए बस। भूल गया, तू एक 2 कौड़ी का बॉक्सर है जिसे मैंने सड़क से उठा के रिंग में उतारा, टीवी पे दिखाया, पूरी दुनिया में फेमस किया तुझे मैंने, और आज तू अग्रीमेंट की बात कर रहा है मुझसे? तूने मुझे क्यों फेमस किया? अपने बेटे को फेमस करना चाहिए था ना। आज तक किस करोड़पति का बेटा बॉक्सर बनाया है? मजदूरी करके, रिक्शा चलाकर, अपना खून पसीना बहाकर, मेहनत से मुझ जैसा आदमी बॉक्सर बनता है, समझा? वहाँ खून हम बहाते हैं और हमारी किस्मत पर तुम कुंडली मार कर बैठ जाते हो। कमीने बहुत देखे लेकिन तुझसे बड़ा नहीं। अब सुनो, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। मिस्टर दीपक, तुम्हारा चैनल पे चैनल नहीं होना चाहिए, लोग मैच को फ्री में देखेंगे, और मैच का रेफरी कोई इंटरनेशनल रेफरी होना चाहिए। अगर ये बात मंजूर है तो ठीक है, वरना भीड़ कम करो। ओके, अगर तू मैच में मर गया तो तेरी बॉडी किसे देनी है वो पॉइंट ऐड कर दे तो साइन करता हूं। बोल, तैयार है? वो मेरी यूनियन देख लेगी, चल अग्रीमेंट साइन करते हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फेमस हो? हाँ दीपक, कोई अच्छा आइडिया हो तो बताओ, मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूँ। पूरी दुनिया में तुम्हारा प्रोडक्ट फेमस होगा, ऐसा आइडिया मेरे पास। चलो। हाय दीपक, माय डियर फ्रेंड, ये मेरा एजेंट है जैक। हाय, वेलकम, प्लीज सिट। नाइस टू मीट यू। मेरे पास पार्टी का वक्त नहीं है, लेट्स टॉक बिजनेस। आउट। तो जैक। कहिए सर। मुझे इस टूर्नामेंट को सेंसेशनल बनाना,
मतलब ये फाइट मरने तक होगी। I have designed it as fight till death। उसे तो ये पहले ही राउंड में मार देगा। बहुत नफरत करता है उससे। अगर मेरा बस चले तो उसे अभी मार दूं मैं। But that's of no use। उसकी मौत को भी मैं बिजनेस बनाऊंगा। उससे मैं अपना नुकसान पूरा करूंगा। जिन स्पॉन्सर्स ने पैसे लगाए उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट होने चाहिए। अब चाहे फाउल क्यों ना हो, he has to kill him। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। Why? Why? पिछली बार फाउल मारने की वजह से ही इसे एक साल के लिए बैन कर दिया था। अगर ये फिर से ऐसा करेगा तो इसका करियर तबाह हो जाएगा सर। और कितनी फाइट्स लड़ेगा ये? 10 फाइट। और कितना कमा लेगा? 50 करोड़। यही मार्केट में गया तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। वही तो पूछ रहा हूँ, कितना? यही कोई 200 करोड़। इसे 200 करोड़ मैं देता हूँ यहाँ। लिसन, 1 फाइट एन अर्निंग फॉर अ लाइफ टाइम। सिर्फ 3 राउंड में उसे मारना है इसे, और अगर नहीं तो 4th राउंड में फाउल करके उसे मारो। All ready है क्या? Cool। सब कहते हैं इंडिया गरीब है, और आप एक आदमी पे इतना उड़ा रहे हैं। इंडिया गरीब देश है मगर मार्केट बहुत बड़ी है।